एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वह बिहार में होने वाले एसटीईटी की परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि बिहार के एसटीईटी की परीक्षा में यहां के बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है 9th और 10th का, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका विषय हिस्ट्री है और सिविक्स है तो इस वीडियो को जो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह जो है 9th क्लास के हिस्ट्री सेकेंड अध्याय के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया है और इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। अनुमान है कि इससे जो है निश्चित रूप से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समय बर्बाद किए बिना हम आपको सीधे चलते हैं टॉपिक पर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो क्लास 9th के अध्याय 2 के हिस्ट्री विषय से लिया गया है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन को हम सम्मिलित किए हैं। इसमें एक है शब्दावली और दूसरा है महत्वपूर्ण तिथियां और तीसरा है इससे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे शब्दावली, मतलब कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ये शब्दावली मुख्य हैं, इससे प्रश्न पूछे की संभावना बहुत काफ़ी है। तो पहला जो इसमें मुख्य शब्दावली है सप्तवर्षीय युद्ध। तो पूछ सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक जो है लड़ा गया था। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया है और कितने साल तक चला था। तो यहाँ पे इस शब्दावली से स्पष्ट हो जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध, देखिए स्पष्ट, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक लड़ा गया था। और अगला है इसमें स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट क्या है भाई, दूसरा नंबर पर जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो स्टाम्प एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में सभी अदालतें कागज़ों अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इससे भी आपको स्पष्ट हो गया, अगर पूछ सकता है कि स्टाम्प एक्ट किस देश से संबंधित है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में सभी अदालती कागजों अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला इसमें क्वेश्चन जो है 3 नंबर पर दिया हुआ, देखिए चाय कानून। तो चाय कानून क्या है भाई, तो इस यह कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय कानून से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ स्पष्ट है, समझ गए होंगे आप कि इस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार मिल गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार किस कानून के तहत प्राप्त हुआ, तो इसका जवाब हो सकता है चाय कानून। अगला है बोस्टन टी पार्टी। अगर आप एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो जानते ही होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि बोस्टन टी पार्टी क्या है। तो वह घटना जिसमें बोस्टन बंदरगाह पर स्थानीय नागरिकों द्वारा चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिया गया था। यहाँ पूछ दे सकता है कि बोस्टन क्या है, तो बोस्टन देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि बोस्टन एक बंदरगाह है। तो बोस्टन टी पार्टी में क्या है, वह घटना जिसमें बोस्टन बंदरगाह पर स्थानीय नागरिकों द्वारा चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिया गया था। तो देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक लड़ा गया। स्टाम्प एक्ट क्या है, तो एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में सभी अदालती कागजों अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। और अगला है चाय कानून, तो इस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला है बोस्टन टी पार्टी, तो बोस्टन टी पार्टी क्या है, तो वह घटना जिसमें बोस्टन बंदरगाह पर स्थानीय नागरिकों द्वारा चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिया गया था। इसके बाद जो है देखिए यहाँ आ गया महत्वपूर्ण तिथियाँ। महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, इसमें है 1492 ईस्वी सबसे ऊपर है। तो 1492 ईस्वी में क्या हुआ भाई, पिछले फेमस थे
फेमस है, तो यह कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज है। तो क्वेश्चन जी ऐसे पूछ सकता है कि 1492 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ आप जवाब दे देंगे कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप को खोजा। या ऐसे पूछ सकता है कि कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप को कब खोजा, तो 1492 ईस्वी में। आपको बताते चलें कि देखिए यहाँ जो एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है नहीं है, वहाँ पर चार ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को दो तीन बार कम से कम सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। और डाटा ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी घटा करके आसानी से सिर्फ सुन लीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप को खोजा। वहीं 1756 से 63 में क्या हुआ भाई, तो ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी घटना घटी, तो 1756 से 63 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब बीच हुआ, तो 1756 से 1763 ईस्वी, या फिर सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। तीसरा नंबर पर दिखाई दे रहा है 1765, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था कब, तो 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट कब पारित किया, तो 1765 ईस्वी में। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लैंड के कौन प्रधानमंत्री जो है स्टाम्प एक्ट पारित किए, तो जवाब होगा ग्रेनविले ने। देखिए अगला है 1767, ये किस लिए फेमस है भाई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, तो 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया, तो 1767 ईस्वी में, याद कर लीजिए। अगला है चाय कानून कब बना, तो चाय कानून देखिए 1773 ईस्वी में बना, 1773 ईस्वी में चाय कानून बना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय कानून कब बना, और चार ऑप्शन में चार को ईस्वी दे देगा। तो अगर आपको यहाँ सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं कि चाय कानून 1773 ईस्वी में बना। अगला है कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को कौन सी घटना घटी, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार संबंधित है। 5 सितंबर 1774 ध्यान दीजिएगा, तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी में क्या हुआ, तो 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन हुआ। देखिए 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, महत्वपूर्ण तिथियां जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं, 1792 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप को खोजा, और 1756 से 63 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया, 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, 1773 ईस्वी में चाय कानून बना, और 5 सितंबर 1774 ईस्वी में 13 उपनिवेशिक प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन हुआ। तो इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 18 अप्रैल 1775 ईस्वी, यहाँ पर सही जवाब है कि ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। अगला है 4 जुलाई 1776 ईस्वी, तो यहाँ पे है इस दिन यह क्यों फेमस है भाई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में 4 जुलाई 1776 ईस्वी, तो यहाँ है कि फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन जिसमें जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला है 1776 ईस्वी क्यों फेमस है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, तो 1776 ईस्वी में क्या हुआ, तो टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। यह बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1776 वाला, कि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि टॉमस पेन की पुस्तकें या पत्रिका कौन थी, तो कॉमन सेंस।
और यह जो है ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कि कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई तो 1776 ईस्वी में। इस प्रकार देखिए 1776 ईस्वी में कॉमन पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, ध्यान दीजिए 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5-6 बार आप सुनिएगा। अगला है 3 फरवरी 1783 ईस्वी, यह क्यों भाई फेमस है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में 3 फरवरी 1783 ईस्वी, तो पेरिस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, तो पेरिस संधि द्वारा। पूछ सकता है कि पेरिस संधि कब हुई, तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। अगला है अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 1787 ईस्वी में। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि 1787 भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस लिए फेमस है, तो अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था किस ईस्वी में, तो 1787 ईस्वी में। उसके बाद 1789 ईस्वी, 1789 क्यों फेमस है, तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ था कब, तो 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिकी संविधान लागू कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में। अमेरिकी संविधान निर्माण कब हुआ, तो 1787 ईस्वी में। इस प्रकार 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान निर्माण हुआ और 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान लागू हुआ, यानी कि अमेरिकी संविधान बनने के 2 साल के बाद जो है लगभग लागू हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि 1782 ईस्वी, तो 1782 ईस्वी में क्या हुआ भाई, तो आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। और 1793 ईस्वी में क्या हुआ, तो कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिल गया 1793 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी के उसके फेमस है, तो 1800 ईस्वी में आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ गया था। इसी के साथ जो है सन ईस्वी वाला जो क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, यह जो है समाप्त हो रहा है। अब चलेंगे, आप अगर ऊपर ध्यान से सुने हैं तो निश्चित रूप से नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ जो है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन। अगला है कॉमन सेंस की रचना किसने की, जेफरसन ने, बी टॉमस पेन ने, सी वाशिंगटन ने, और डी है लफायते में। तो ये हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां में पढ़ चुके हैं कि कॉमन सेंस की रचना किसने की, और इसका सही जवाब होगा बी टॉमस पेन ने। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की, 2 का हो गया बी। अगला है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, देखिए ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1765 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1766 ईस्वी में, और डी 1767 ईस्वी में। तो 3 का जो सही जवाब है वो है ए 1765 ईस्वी में, यानी कि स्टाम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ए है वाशिंगटन, 2 है वेलेजली, सी है कार्नवालिस, और डी है कर्जन। और 4 का सही जो जवाब है वह है सी कार्नवालिस। अगला है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं कि जिस साल बना उसके 2 साल के बाद लागू हुआ था, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1787, 1789, 1791 और डी है 1793। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था, तो हम आपको बताए थे ऊपर कि जो है बनने के 2 साल के बाद जो है अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें सबसे जो सही वह है 1789, यानी कि 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान जो है लागू हुआ। देखिए ऊपर आपको दिखा देते हैं, आप कहेंगे कि देखिए अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए 1787 और 1789 में अमेरिकी संविधान निर्माण हुआ 1787 में और लागू हुआ 1789 में। तो वहीं क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम संविधान कब लागू हुआ, तो 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पर कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, इसका सही जवाब है
आप जानते होंगे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में और स्पेन में। तो इसका सही जवाब है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। इसका सही जवाब है ए पेरिस की संधि, बी फिलाफ्रैंका की संधि, सी न्यूली की संधि और डी सेब्रे की संधि। और 7 का जो सही जवाब है वह है ए पेरिस की संधि। पेरिस की संधि में जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में, ध्यान दीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। ए है ग्रेनविले, बी जेफरसन, सी लफायते और डी वाशिंगटन। और 8 का जो सही जवाब है वह है डी वाशिंगटन। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन जो है जरूर मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन जो है, ओरिजिनल किताब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो बनाया गया उसमें भी है और भारतीय भवन में भी है, स्टूडेंट फ्रेंड्स में भी है। तो ये प्रश्न जो है, जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर सब जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इस प्रकार STET का ये आपका क्लास 9th का चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में तीसरा जो है फ्रांस की क्रांति, उससे संबंधित प्रश्न हम मिलाएंगे, जिससे कि आपका STET का तैयारी कम से कम समय में हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं और अंत में कहते हैं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएँ। इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।